हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएनएस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आज आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर्स के बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर्स के बारे में। प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर, सभी को पता है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के ग्रे हेयर्स होने लगी हैं, तो इसका रीज़न क्या है, क्या ऐसा रह जाता है कमी हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रे हेयर्स होने लगती हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रे हेयर्स होने का सबसे मेन रीज़न है कि जो हमारे बालों को पिगमेंट देता है, जिसे हम मेलानिन पिगमेंट कहते हैं, उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बाल वो ग्रे हो जाता है। तो अब उसके लिए हम क्या करें कि मेलानिन पिगमेंट हमारा सही रहे। तो मेलानिन पिगमेंट जो होता है उसको सही करने के लिए क्या करें, अच्छा उससे पहले ये जो जान लेते हैं कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के 20-25 ईयर के आप हुए हो, आपके तब भी ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है। देखो, सबसे ज़्यादा रीज़न आज के टाइम में आप लोग देख रहे हैं हमारा एनवायरनमेंट है। आज के टाइम में कितना पॉल्यूशन हो रहा है वो बहुत डिपेंड करता है। आप अपने बालों की केयरिंग कैसे कर रहे हो वो भी बहुत डिपेंड करता है। लोगों को आजकल ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया, यानी सिकटी होता है, और साथ ही साथ आप लोग विटामिन बी की कमी हो रही है आप लोगों के अंदर, आयोडीन की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे रिलेटेड करती हैं हमारे बालों से, क्योंकि जब तक हमारे बालों को, देखो हम लोगों को भी खाना चाहिए होता है तभी हमारी बॉडी चलती है ना, बालों को भी खाना चाहिए तभी तो वो बढ़ेगा बढ़ेगा भी और अच्छा स्वस्थ हेल्दी हेयर रहेगा हमारा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए आगे बताऊंगी मैं आपको, मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आगे है कि डिजीज़ेस, अब डिजीज़ेस हो जाती हैं कुछ ऐसी, जैसे कि आप लोगों को क्रोनिक कॉल्ड हो गया, साइनस हो गया, आप लोगों को अस्थमा हो जाता है, या फिर आप ले लो कि इतना ज़्यादा आप लोगों को डिप्रेशन हो जाता है ना, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया किसी को, हेरिडिटी भी हो जाता है कहीं हो गए, ग्रे हेयर्स के पीछे से ही चला आ रहा हो और आप लोगों के ग्रे हेयर्स जल्दी हो गए। अब इसके आप मेन क्या कर सकते हो, देखो अपनी हेल्थ के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो अपनी हेल्थ के लिए आपको अपने हेयर के लिए अच्छा करना है हेयर, तो इनको फॉलो जरूर करें। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि क्या हम ऐसी डाइट लें, तो डाइट आप क्या लेंगे। देखो, सबसे पहले आयरन है, आयरन की कमी दूर करने के लिए हमारे को सबसे बेस्ट क्या है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, जितनी भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, जैसे कि पालक हो गया आपका, बथुआ हो गया, मेथी हो गई, जो सीजनल्स होते हैं उस सीजन के हिसाब से ही खाएं, ये नहीं कि सीज़न नहीं है और आप उसको परचेज करके ला रहे, नहीं, सीजनल वेजिटेबल जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो ही खाएं, जैसे कि धनिया आता है, पुदीना आता है, सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं आप लोगों के, लौकी, तोरी, टिंडा और बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि आप लोग के लेडी फिंगर हो गया, जितनी भी नेचुरल और सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं ग्रीन, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करें। और आप लोगों के साथ साथ क्या है, और विटामिन बी बढ़ाना है आप लोगों ने। विटामिन बी कैसे बढ़ता है, देखो जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज खा के बढ़ा सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर आप बी, जैसे कि आप लोग फिश खा सकते हैं, बीफ का लीवर, ठीक है, वो आप नॉन वेजिटेरियन है तो ईज़िली ले सकते हैं, पर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपना दही हो गया, दही में सबसे अच्छा इन्ग्रीडियंट होता है विटामिन बी का, तो आप उसे इनटेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बताती हूँ कि विटामिन ई हो गया, साथ में आपको विटामिन ई भी बढ़ाना है, ताकि विटामिन ई जो होगा आप लोगों का, वो विटामिन ई किस में होता है अधिकतर, आलमंड ऑयल हो गया। आलमंड ऑयल देखो वैसे आप खा नहीं सकते हो, पर अपने हेड में ऑयल लगाओ आलमंड ऑयल का, पर लेकिन ऑयल जो लगाओगे आप वो अच्छा रहेगा, जिससे आप लोग के हेयर को विटामिन ई मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग जैसे कि आलमंड्स हैं वो जो है रात को सोक कर दो, ओवरनाइट सोक करके आप उसे, और सुबह जो है फिर उस आलमंड को खा लें, पीनट्स खाएं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विटामिन ई, विटामिन बी की, आयरन आप लोगों को जरूरत पड़ती है, तो इन सब चीज़ पे आप लोगों को अपना प्रॉपर फोकस करना है, जिससे आप लोगों की जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स हो रहे हैं वो आप लोगों के ना हों। कुछ ऐसे पैक्स भी हैं जो आप लोगों के
लीक प्री मैच्योर ग्रे हेयर में आपको प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे कि जल्दी से जल्दी ग्रे हेयर्स ना हो। सबसे पहले आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से पैक हैं जिनको आप लगा के प्री मैच्योर ग्रे हेयर से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड बाय बाय।